हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं एजे फीफा और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने लुकाकू को बाय कर लिया था और मतलब कतई पूरे पैसे हमने उसी बंदे पे लगा दिए थे। तो फिलहाल तो हम कोई दूसरा प्लेयर जो है बाय कर नहीं सकते। तुम लोगों को मेरा ट्रांसफर बजट दिख रहा है काफ़ी लो है, लेकिन मैंने फिर भी शॉर्ट लिस्ट रब में रखे हैं और तब तक के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन और हो सकता है और वो है कि मैं जैसे कुछ एक प्लेयर्स हैं उनको मैं जो है ना लोन पे दे दूं, मतलब लोन पे उनको रखूं और कुछ एक को सेल कर दूं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो शायद मेरा ट्रांसफर बजट थोड़ा सा अप हो जाए। नहीं तो मुझे नेक्स्ट टाइम तक वेट करना पड़ेगा जब तक मैं मतलब मुझे मेरे मैनेजमेंट मुझे पैसे नहीं देती है ट्रांसफर के लिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं करके जो है अपना ट्रांसफर बजट जो है इंक्रीज़ कर सकता हूँ। फिलहाल तो मैं इनमें से किसी को परचेज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने कुछ एक को परचेज करने की ट्राई की थी बट दे आर टू कॉस्टली मैन। लेकिन आई मस्ट टेल यू कि जो लुकाकू को हमने परचेज किया उसके पीछे कुछ रीज़न है और उस रीज़न को जो है आप गेम प्ले में ज़रूर देख पाओगे। तो फिलहाल तो जो है हमारे जो इसका पहले कप चल रहा था, जो हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल कोई कप चल रहा था जिसमें कि प्राइज मनी है, उससे भी हमारा थोड़ा बहुत जो है प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल तो उसका फाइनल चलने वाला है और वो वाला इंटर मिलान के साथ। तो फिलहाल तो मैं सेट कर रहा हूँ लुकाकू खिला रहा हूँ। फाइनल को फिलहाल मैं फर्स्ट टर्न में नहीं रखा है, लेकिन ये फ्रेंडली वाले मैच है। लेकिन जैसे ही हमारे प्रीमियर लीग के मैचेस आएंगे तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा लुकाकू या वेनर किसको अंदर रखना है, या फिर हम दोनों को अंदर खिलाएंगे तो भी ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फॉर्मेशन जो मैं थोड़ी चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे हम 5-2-3 से खेल रहे थे लेकिन मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा अटैकिंग लेना पड़ेगा। नैरो तो नहीं खेलूंगा मैं, थोड़ी सी अटैकिंग फॉर्मेशन में आऊँगा और वहाँ से जो है सेलेक्ट करके उन प्लेयर्स के साथ थोड़ा अटैक करने की ट्राई करेंगे, ताकि क्योंकि मेरे पास ना मिडफील्डर भी काफ़ी अच्छे हैं चेल्सी में। जैसा लगता है कि चेल्सी की टीम वैसे भी काफ़ी बैलेंस्ड है और काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि 80 की रेटिंग के ऊपर के जितने प्लेयर हैं उनको ही टीम में रखूँ और बाकी लोगों को टाटा बाय बाय कर दूँ, तो वो भी हम देखेंगे। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि चेल्सी के कौन से प्लेयर्स को हम रिमूव कर सकते हैं जो 80 के नीचे हैं। मैंने आपको शॉर्टलिस्ट हब में स्टार्टिंग में सारे प्लेयर दिखाए थे, या फिर आप मुझे वैसे भी एक्सप्लोर करके बता सकते हो। और आपको एपिसोड कैसे लगते हैं कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं मैच की तरफ। सो हियर वी गो, ये फाइनल मैच होने वाला है इंटर के साथ और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं भाई साहब, नो डाउट एट ऑल। लेकिन हमारी टीम भी कुछ कम नहीं है, हम ट्राई करेंगे आज इस मैच में क्लीन चिट भी रखने का है हमको और मैच भी जीतना है, तो ये भी हम ट्राई करने वाले हैं। और वैसे तो ये फाइनल गेम है, प्राइज मनी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बाद जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है प्रीमियर लीग और वो होने वाला है बहुत ही जासूस। हियर वी गो, इस मैच की शुरुआत यहाँ से कर देते हैं और फाइनल मैच की शुरुआत हो चुकी है। सो हियर वी गो, मिलान की टीम काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे सिल्वा के पास बॉल थी लेकिन डेलआउट ने बॉल ले ली और वापस इब्राहिमोविच के पास बॉल थी ऐसा मुझे लगा, लेकिन कहीं और ही चला गया, ये टारगेट से बॉल बाहर था। ओके, ओग्लू के पास बॉल और कॉर्नर का बढ़िया है यहाँ से क्रॉस, लेकिन गोलकीपर हमारे बहुत ही बढ़िया यार, गोलकीपर में से मुझे लग रहा है गोलकीपर से मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा गोलकीपर मेरे पास। ओके, बढ़िया ट्राई, यहाँ पे जेम्स के पास बॉल है और जेम्स ने बॉल अंदर डाल दिया, यहाँ से बढ़िया हेडर, लेकिन प्लेसिक के हेडर के बाद भी गोल के अंदर बॉल नहीं गई। लेकिन वापस कांते के पास बॉल, कांते का लॉन्ग शॉट लेकिन डिफेंस मिलान का काफी अच्छा, लेकिन वापस ट्राई पे लुकाकू के पास बॉल, लुकाकू ने बहुत ही बढ़िया थ्रू पास दिया जेम्स के पास और जेम्स के पास ओपन नेट में, ये गोल हो सकता था और होना भी चाहिए था, बहुत ही बढ़िया पासिंग है लुकाकू के द्वारा, लेकिन जेम्स उसको एंड नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा सा मुझे लगता कि बाहर रह गया थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ से। ट्राई अच्छी थी, बहुत लॉन्ग रेंज से शूट लिया था, लेकिन यहाँ पे मिलान की टीम वापस अटैक पर, बहुत ही बढ़िया बॉल लेकिन उतना ही जबरदस्त डिफेंस, यार मैं इस गोलकीपर का नाम नहीं जानता, लेकिन बहुत ही बढ़िया गोलकीपर है। लेकिन वापस अटैक पे यहाँ पे हेडर हो सकता था लेकिन हेडर के लिए चांस नहीं मिला है, माउंट के पास वापस बॉल थी लेकिन डिफेंस वहाँ पे बहुत तगड़ा मिलान का, लेकिन वापस बॉल गेन किए यहाँ पे कांते के पास बॉल, वापस मूव बनाते हुए चेल्सी यहाँ से डी बॉक्स के अंदर जाने की ट्राई करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कांते का बहुत ही बढ़िया पास। ओके, लुकाकू कम ऑन मैन, ये ट्राई हो सकती थी यहाँ पे, वापस अटैक पे लुकाकू का बॉल जेम्स को, जेम्स ने बहुत ही बढ़िया बॉल यहाँ पे और वेरी गुड बॉल और लुकाकू के लिए बॉल थ्रू में और लुकाकू, फाइनल गेम में वापस लुकाकू ने कम बैक किया और इस गोल के साथ जो है फाइनल में पहली बढ़त जो है वो ले लिए चेल्सी ने, बहुत ही जबरदस्त पासिंग वहाँ पे जेम्स और लुकाकू के बीच में और लुकाकू ने उस फाइनल बॉल को जो है ना गोल पोस्ट पे दाग के बता दिया क्यों हमने लुकाकू को परचेस किया। लेकिन आने वाले मैचेस में और भी देखना बाकी है, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया पास लुकाकू लेफ्ट फुट से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फुट ही लुकाकू का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ जो फिनिश किया है दैट वॉज ऑसम। और गोल कीपर जो है ना वो वेट कर रहे थे शायद जेम्स शॉट लेंगे, लेकिन जेम्स ने वहाँ पर शॉट नहीं लिया और पास किया लुकाकू को और लुकाकू ने इसका एंड काफ़ी सही किया और कोच बहुत ज़्यादा खुश, मैनेजर भी वहाँ पर उतना ही खुश और फर्स्ट गोल यहाँ पे हो चुका है, 7 गोल कर दिए हैं लुकाकू ने अभी तक इस टूर्नामेंट में भाई साहब। ओके, सो हियर वी गो, इंटर मिलान की टीम वापस अटैक पे और
टेलॉट के पास वापस बॉल पे रसिक सामना करेंगे, लेकिन वापस और यहाँ पे फर्स्ट हाफ का एंड होते हुए और फिलहाल तो इस हाफ में जो है आगे चल रही है चेल्सी एक गोल के साथ और बहुत ही बढ़िया बढ़त इसमें लुकाकू के लेफ्ट वाले लंबे लंबे पैर जो थे वो ऐड थे, डोंट फॉरगेट दैट। ओके वापस अटैक पे फिर से चेल्सी यहाँ पे ट्राई करेगी अटैक बनाने की, लेकिन अभी अटैक बन रहा है मिलान का और ह्यूज के पास बॉल है और ट्राई करेंगे यहाँ से बॉल अंदर डालने के लिए, कौन ऐसे बॉल अंदर डालेंगे तो शायद चांस और क्रिएट हो गए हेडर के लिए। ओके ह्यूज के पास बॉल और गुड क्रॉस और बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे चेल्सी द्वारा, लेकिन फिर भी बॉल कंट्रोल में नहीं रही और वापस मिलान के पास बॉल है कैसी बस बॉल और यहां से गुड रन डी बॉक्स के ऊपर आते हुए और बहुत ही बढ़िया बॉल, क्या यहां से शूट करेंगे, बॉल है ओगलू के पास, गुड क्रॉस लेकिन डिफेंस भी चेल्सी काफी बढ़िया है। वापस डेलॉट बॉल लेने की ट्राई करते हैं, बॉल नहीं मिली और यहाँ पे अटैक पे बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड बॉल प्लसिक के पास बॉल था, लॉन्ग रेंज शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट था लेकिन कभी कभी ज्यादा हो चाहिए हमें जाना नीचे बच्चे, ये गलत हो गया यहाँ से। शॉट अच्छा था लेकिन कर्व भी था लेकिन थोड़ी सी जो ना फोर्स ज्यादा अप्लाई हो चुकी थी पावर इसमें, उससे गड़बड़ हो गई और प्लसिक के पास बॉल था लुकाकू बहुत ही बढ़िया पास, क्या यहाँ पे गोल, जी हाँ गोल हो चुका है लेकिन ओ ओ ओ माय दैट वाज ऑफ साइड सॉरी। ओके लेकिन लुकाकू का पास बहुत सही था भाई, ओके भाई मुझे मेरे गोलकीपर का नाम ही नहीं पढ़ पा रहा मैं, क्या सही गोलकीपिंग करता मेरा गोलकीपर, मैं मस्त बॉस मतलब जबरदस्त है बिल्कुल, लास्ट टाइम अगर यहाँ पे गोल हो गया ना तो ये मैच ड्रॉ हो जाएगा, पेनल्टी की तरफ चला जाएगा और वापस अटैक पे लेकिन जबरदस्त वहाँ पे गोल कीपिंग वापस और इस विसल के साथ ये मैच एंड हो चुका और फाइनल गेम जो कि काफी टफ थी इंटर मिलान के साथ, लेकिन लुकाकू के गोल के वजह से जो है हम फाइनल वहाँ पे वन कर गए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि खाली लुकाकू नहीं चेल्सी की टीम ने बहुत ही बढ़िया पासिस किया और काफी सारा क्रेडेंशियल जो है वो देना चाहूंगा, क्रेडिट देना चाहूंगा गोलकीपर को भाई, इस गोलकीपर ने बहुत अच्छे से सेव किए और अभी तक मैंने जितने ही मैच चेल्सी के साथ खेले आई मस्ट टेल यू कि मैं इस गोलकीपर से बहुत इंप्रेस हूँ। आई डोंट नो इसकी रेटिंग कितनी है, 80 भी है या 80 के डाउन है, लेकिन गोलकीपिंग आउटस्टैंडिंग है। तो अब यहाँ पे ना बहुत सारे ऑफर जो हमको चल रहे थे हमारे प्रीमियर लीग शुरू होने के पहले, तो मैंने कुछ एक प्लेयर्स को सेल करने की ट्राई की थी जिसमें कि काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर थे जिनके लिए हमारे अच्छे ऑफर आए थे, तो मुझे ऐसा लगा जिन प्लेयर को मैं यूटिलाइज नहीं करता और मैं कुछ दूसरे प्लेयर्स को खरीदना चाहता हूँ तो उनके जो ऑफर थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए थे, और कुछ एक और भी ऑफर चल रहे थे जिनको मैं चाहता था कि मैं करूँ गेन लेकिन मैं कर नहीं पाया किसी कारणवश, तो फिलहाल तो मैं यूथ डेवलपमेंट प्लान में आ चुका हूँ, फिलहाल मैं इन प्लेयरों को डेवलपमेंट के लिए देना चाहता हूँ। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लुकाकू की स्प्रिंट थोड़ी कम है, तो किसने मुझे कमेंट किया था, आई डोंट नो किसने कमेंट किया था, नाम मुझे याद नहीं रहा, कि भाई साहब लुकाकू को डेवलपमेंट प्लान में डाल दिया जाए और उसकी स्पीड के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो मैंने उसको लुकाकू को ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान में सेट कर दिया है और उसकी स्पीड पे स्पेशली ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो हमारे यूथ वाले यंग जो प्लेयर हैं उनको डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो उनको डेवलपमेंट में सेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि डेवलपमेंट अच्छे से हो और वो आने वाले टाइम में जो हमारे क्लब के लिए एक एसेट के रूप में पैदा हो जाए वहाँ पे और कुछ ज़बरदस्त कमाल धमाल वहाँ पे करें, ऐसी हम आशा करते हैं। ओके तो 79 अलोंसो के लिए ऑफर है और मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करना चाहूँगा कि जो मार्केट प्राइस है वो 18 के कुछ आसपास है और 18,500 के आसपास हुए और मुझे ऑलरेडी 18 मिल रहे हैं, तो मैं इस ऑफर को भी जाने नहीं दूंगा, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा और इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद शायद मतलब ट्रांसफर में थोड़ा सा और जो है हमारे पास बजट इंक्लूड हो जाएगा, दैट वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, लेकिन वो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल अब चलना है हमारे प्रीमियर लीग के फर्स्ट मैच में और सीजन की शुरुआत यहाँ से होने वाली है, हम 4-4-1 से ही खेलने वाले और अटैकिंग जो है हमारा रहने वाला है फॉर्मेशन, लेकिन सबसे पहले मुझे वेनर को अंदर करना है। वेनर को अंदर करने की वजह बहुत बढ़िया क्योंकि वेनर ने मुझे भी मैसेज किया था लास्ट नाइट कि मेरी परफॉर्मेंस जो काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आई होप सो मुझे फर्स्ट टाइम जगह मिलेगी और मैं वेनर को बिल्कुल भी निराश नहीं करना चाहता हूँ या मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि वेनर और लुकाकू के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने दोनों को इन रखा है और सब्स्टिट्यूशन हम जो है बाद में करते लेंगे, लेकिन फर्स्ट गेम में मैं चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि वेनर या लुकाकू कौन यहाँ पे प्रीमियर लीग में फर्स्ट गोल के साथ जो है ओपन करेगा, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन ये कंपटीशन मुझे लगता है पूरे सीजन तक बना रहेगा बिकॉज लुकाकू को हम फर्स्ट ओवर में खिला रहे हैं, क्रूशियल प्लेयर की सेटिंग हमने उसके साथ करके रखी है, लेकिन वेनर भी उतने ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारी टीम के लिए। सो हियर वी गो, मैच की शुरुआत हो चुकी है, सीजन की भी शुरुआत हो चुकी है यहाँ से और पहले ही मूव पे चलते हैं, लुकाकू के पास बॉल है, लुकाकू लेफ्ट फुट से अंदर बॉल करने की ट्राई की थी, काफी क्लोज था ये चांस और लुकाकू जो है यहाँ पे बढ़त ले सकते थे वेनर से पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल तो नहीं हुआ लेकिन शूट काफ़ी अच्छा था, डी बॉक्स के ऊपर से शॉट लगाया था, थोड़ा अगर मुझे लगता ऊपर तो शायद चांस बन सकता था। ओके वापस अटैक पे यहाँ पे कांते के पास बॉल, कांते ने पास कर दिया वेनर के लिए, वेनर के पास बहुत ही बढ़िया मूव, वेनर ने पीछे खींच लिया और यहाँ से बहुत ही सुंदर मूव और जबरदस्त फिनिश, बहुत ही शानदार जानदार वेनर
यहाँ पे मैंने कहा था ये वेर्नर और लुकाकू में से कौन सा सब प्लेयर है जो पहले गोल स्कोर करेगा, तो वेर्नर ने यहाँ पे गोल स्कोर कर दिया और बहुत ही बढ़िया मूव। ये देखिए पहले प्लेयर्स को आगे लेके गए, बाद में डिफेंस को थोड़ा पीछे खींचा और राइट फुट से टॉप कॉर्नर की तरफ में गोल लगाने की ट्राई की थी और सक्सेसफुल भी हो चुके हैं वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया फिनिश। लुकाकू और वेर्नर के कॉम्पिटिशन में फिलहाल वेर्नर आगे हो चुके हैं ऐसा मुझे लगता है। लुकाकू ने भी काफी अच्छी ट्राई की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे गोल नहीं हो पाया, लेकिन वेर्नर की स्ट्राइक के साथ फर्स्ट गोल और पहली लीड के साथ जो है ना आगे बढ़ चुकी है चेल्सी की टीम। सो अब देखना है क्या एवर्टन यहाँ पे वापसी कर पाती है नहीं कर पाती है। सो ये वी गो फिर से अटैक पे, यहाँ पे चिलवेल के पास बॉल है और चिलवेल क्या अंदर क्रॉस डालेंगे, बहुत ही बढ़िया क्रॉस लुकाकू, लेकिन डिफेंस काफी अच्छा है एवर्टन का और बिल्कुल चांस नहीं दिया उन्होंने वहाँ पे हेड करने के लिए लुकाकू का। थोड़ा चांस अगर होता तो शायद हेडर से बॉल अंदर जा सकती थी लेकिन ऐसा चांस बिल्कुल भी नहीं बन पाया। ओके वापस पे अटैक पे टीम पे, यहाँ पे थ्रू बॉल मिली है, पुलिसी के पास बॉल है, क्या यहाँ से बॉल अंदर आएगी, जी अंदर आएगी लेकिन हेडर नहीं आ पाया, बहुत बढ़िया बॉल वापस पुलिसिक, ओके गुड बॉल गुड पास, लेकिन फर्स्ट हाफ का यहाँ पे एंड हो चुका और एक गोल की लीड फिलहाल जो है चेल्सी के पास है अगेंस्ट एवर्टन। और ये गोल जो है आपको पता है किस कंपटीशन में चल रहा है और वेर्नर ने गोल स्कोर किया, टीमो वेर्नर एक अटेम्प्ट और एक ही अटेम्प्ट में एक गोल जो है दाग दिया। लेकिन अब चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ, क्या यहाँ पे गोल नंबर टू हमको देखने को मिलेगा या फिर ड्रॉ होने वाली है वो भी सिचुएशन हमको यहाँ पता ही। ओके गुड डिफेंस, लेकिन मुझे लगता है डिफेंस सही नहीं है, पेनल्टी तो नहीं मिलेंगे हमको लेकिन फ्री किक जरूर मिलेगी, लेकिन फ्री किक में जैसे लगता है कि थोड़ा सा खराब कर रहा हूँ मैं आजकल, पता नहीं फ्री किक मेरी परफेक्ट लग नहीं रही है और गोल स्कोर हो नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम ट्राई वापस करेंगे इस फ्री किक को गोल में कन्वर्ट करने के लिए। और ये ऑप्शन मिला है माउंट को, आई होप सो माउंट कुछ कमाल धमाल करेंगे, थोड़ा सा बाहर रखूंगा मैं इस बार ताकि ये जाए प्रॉपर तरीके से। ओ इतनी स्लो तो नहीं जाने वाली ऐसा मुझे लगता है। ओके ओके वापस बॉल जो है वेर्नर के पास आ चुकी है, वेर्नर का बहुत ही बड़े पास लुकाकू के लिए, लुकाकू का जबरदस्त शॉट, कमॉन टीम की केमिस्ट्री जबरदस्त और पासेस उससे भी अच्छे, बहुत ही बढ़िया पास वेर्नर का लुकाकू के लिए, लुकाकू शॉट जबरदस्त था लेकिन गोल तक नहीं जा पाया। ओके यहाँ पे अटैक पे एवर्टन की टीम, बहुत ही बढ़िया मोल, कमॉन 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 कमॉन, ओ भाई गोल नहीं गोल नहीं गोल नहीं, बहुत ही बढ़िया डिफेंस वहाँ पे और जबरदस्त गोल कीपिंग, डिफेंस तो काफी खराब लगा मुझे, अच्छा नहीं था लेकिन गोल कीपर हमारा बहुत बढ़िया था। ये क्या हो रहा है, गोल खा के जाएंगे क्या? ओके 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 नाउ वी नीड टू क्लियर दिस बॉल, अगन ये क्लियर नहीं हुई तो हमारे बीच फंसेगी, बहुत ही बढ़िया बॉल और गुड मूव यहाँ पे कांते के पास, बॉल और जबरदस्त शॉट लेकिन गोल नहीं ढूंढ पाए, ये गलती यहाँ पे हो गई, गोल हो सकता था लेकिन वापस अटैक पे बटन की टीम और बहुत ही बढ़िया मूव, लेकिन डिफेंस चेल्सी का काफी अच्छा और उसके साथ जो गोल कीपिंग हो रही है ना भाई साहब वो लाजवाब है, उम्दा किस्म की गोल कीपिंग है, बिल्कुल चांस नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वापस हेडर से बॉल क्लियर किया, डी बॉक्स से बॉल बाहर निकालना चाहते थे। ओके बहुत ही बढ़िया बॉल वेर्नर के पास, बॉल है क्या वेर्नर, गोल नंबर टू गोल नंबर टू गोल नंबर टू, बहुत ही बढ़िया मूव लेकिन गोल नंबर टू यहाँ पे हो नहीं पाया, लेकिन वापस अटैक पे एवर्टन की टीम, बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे, लास्ट टाइम मतलब चल रहा है इंजरी टाइम चला, अगर गोल स्कोर करते हैं ये मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन हमारे गोल कीपर को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था भाई, क्रॉस भी जो है ना पहुंच नहीं दी इस गोल कीपर ने, आई वेरी वेरी मच इंप्रेस्ड विद दिस गोल कीपर, आई मस्ट से मैं इसको बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला हूँ, कि लास्ट टाइम जो हमने अपने करियर मोड खेले थे, मैनेजर करियर मोड खेले थे तो हमारे पास दिया गया था भाई, वो भी आउटस्टैंडिंग गोल कीपर था, लेकिन इस गोल कीपर से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, आई लाइक दिस गाय। लेकिन वेर्नर ने यहाँ पे बाजी मार लिए और लुकाकू को पीछे छोड़ दिया एक गोल की बढ़त के साथ, हालांकि हमको ने वेर्नर को चेंज भी किया था नहीं नहीं, लेकिन लुकाकू गोल नहीं ढूंढ पाए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो फटाफट लाइक मार देना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली एपिसोड लाता रहूं तो बहुत मेहनत लगती है, तो आपको सिर्फ करना है मुझे लाइक करके मोटिवेट।